Hi guys, good morning. Hi guys, hello everyone, a very good morning and welcome on Study Lab once again. मेरे यानी स्वप्निल अग्रवाल के संग अपने SSC, GD, MTS और UPSI के बैच में जिसकी रीजनिंग की क्लास होती है डेली बेसिस पे 10:30 बजे. जितने भी लोग आ चुके हैं फटाफट से एक बार कंफर्म कर दे कमेंट सेक्शन में कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, फिर हम स्टार्ट करें अपना आज का सेशन जो कि होने वाला है आपका नंबर क्लासिफिकेशन पर. तो बता दीजिए जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार, कैसे हो सब लोग, बताओ फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय हेलो, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात. ऑल क्लियर, ओके ऑल क्लियर, चलो फाइनली गॉट अ ग्रीन फ्लैग, सब कुछ सही है, ऑडियो वीडियो सब एकदम बढ़िया से क्लियर है. तो आज आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज एक फ्रेश टॉपिक, नंबर क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो आप सबने टॉपिक, इस टॉपिक के क्वेश्चंस देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप टॉपिक का शायद नाम से समझ ना पा रहे हो. आपने देखे होंगे उस तरीके के क्वेश्चंस जहां पे चार ऑप्शंस दिए होते हैं और बताना होता है ऑड वन आउट कौन सा है इसमें, याद है ना सबको वाले क्वेश्चंस जहां पे हमें ऑड वन आउट बताना होता है. तो नंबर क्लासिफिकेशन बोले तो वो क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन के वही क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ऑड मैन आउट या फिर ऑड वन आउट जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो, ऑड वन आउट जिसमें हमें बताना होता है. तो ये होता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कई टाइप्स में पूछा जाता है आपका, अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्लासिफिकेशन के. एंड हर एग्जाम का, चाहे GD हो, चाहे MTS हो, चाहे UPSI हो, एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है. ठीक है, सो दिस इज, ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. काफी अच्छा और बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन आपका सीरीज की तरह है एक तरीके से, जिसमें कि आज हम नंबर क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं. क्लासिफिकेशन आपका पूछा जाता है, नंबर क्लासिफिकेशन आता है जैसे कि हम आज देखेंगे, फिर आपका लेटर क्लासिफिकेशन आता है, फिर आपका वर्ड क्लासिफिकेशन आता है, एंड देन आता है आपका इमेज क्लासिफिकेशन. आपने देखा होगा मैंने मॉक टेस्ट में कई बार आप लोग को ऐसे क्वेश्चन कराए हैं जहां पे चार बॉक्सेस ऐसे बने होते हैं इमेजेस के, बताना होता है इसमें से कौन इमेज बाकियों से भिन्न है. तो वो आता है आपका इमेज क्लासिफिकेशन. वर्ड क्लासिफिकेशन में जैसे कि मान लीजिए पपी दिया है, फिर उसके बाद पब दे रखा है आपका पग, ऐसे करके मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से एक ऑप्शन डिफरेंट है, तो वो जाता है आपका वर्ड क्लासिफिकेशन. सेम थिंग गोज विद लेटर, चार में से एक लेटर डिफरेंट होगा. एंड सेम थिंग गोज विद नंबर, चार में से एक नंबर आपका डिफरेंट होगा. डिफरेंट इन द सेंस जो बाकी के तीन ऑप्शन लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि वो लॉजिक फॉलो नहीं करेगा और वही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑड वन आउट. वही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑड वन आउट. एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टॉपिक. बहुत ही सिंपल दिखने में, लेकिन जब क्वेश्चंस करो अगर आप तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले नंबर से, क्योंकि नंबर एक ऐसी चीज है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ तो हालांकि लेटर भी रहे हैं लेकिन लेटर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. नंबर में आइए देखते हैं, नंबर से स्टार्ट करते हैं नंबर क्लासिफिकेशन. सो हैव वी स्टार्ट विद नंबर क्लासिफिकेशन. क्या सब लोग तैयार हैं, जितने भी लोग हैं, इज एवरीबॉडी रेडी फॉर नंबर क्लासिफिकेशन? चलिए सब लोग तैयार हैं. CHSL के लिए कौन सा बैच है, आप ये वाला बैच भी अटेंड कर सकते हो. एंड साथ ही साथ जो हमारा 2:30 बजे चल रहा है लैब पर CHSL और CGL का बैच, वो भी आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर. जी सब तैयार हैं, वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब आप देखो कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप देखो एक बार, नंबर्स की बात हो रही है ना, तो नंबर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो बचपन से आपने मैथ्स पढ़ रखी है, सबसे पहले आपने एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन पढ़ा, बताइए पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये सारी चीजें हमने पढ़ी, तो ये आ जाता है हमारा किसमें, ऑपरेशंस विद इन द डिजिट, मतलब आपके वाले क्वेश्चंस जहां पे आपको बताना होता है कि यहाँ पे इतना ऐड हो रहा होगा, इनका सम निकल के इतना आ रहा है. तो हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर वाले क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहला तो आपका वो टाइप हो जाता है जिसमें आपका प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये होता है. फिर आता है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मतलब पहाड़ा, टेबल. टेबल आपको याद करनी होती है मल्टीपल्स ऑफ द नंबर के लिए, मतलब जैसे आपने देखा कि 15 के ऑप्शन, आपके चार ऑप्शन में 15 के तीन मल्टीपल्स हैं और एक मल्टीपल आपका 15 का नहीं है, तो वो आपका ऑड वन हो जाएगा. तो उसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर के लिए.
फिर आता है आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम यानी कि डिजिट्स के बीच का सम, जब कभी भी नंबर थोड़ा बड़ा हो, जैसे कि आपका 4759, इस तरीके के जब नंबर बड़े होते हैं ना, तो हमेशा आपका 99% केसेस में जब आपके नंबर्स बड़े होते हैं तो आपका हमेशा डिजिटल सम यूज होता है। मतलब आपने इनका सम करके देखा, इनका सम मान लीजिए हमारा, चलिए इधर देखा हमने, इनका सम हमारा आ गया, जैसे कि x मान लीजिए इनका सम आ गया, तीन और नंबर, दो और नंबर आपके ऐसे होंगे जिनका सम x आएगा, लेकिन एक ऐसा नंबर होगा जिनका, जिसका सम x नहीं आएगा, तो वो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा डिजिटल सम। फिर आता है आपका ऑड इवन। ऑड इवन आपका सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। ऑड इवन के बेसिस पे हम सबसे लास्ट में एलिमिनेट करते हैं, ये लास्ट में हम देखते हैं, हम पहले बाकी सारी चीजें देखेंगे कि कहीं इसमें डिजिटल सम तो नहीं फॉलो हो रहा है, कहीं ये मल्टीपल तो नहीं है। जब कुछ नहीं मिलेगा तब हम ऑड इवन पे आएंगे, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस अब पूछे ही नहीं जाते हैं, मतलब बहुत पहले एक जमाने में पूछे जाते थे ऑड इवन के क्वेश्चंस। फिर आता है आपका प्राइम नंबर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपके चार में से तीन ऑप्शन आपके प्राइम नंबर होंगे, एक प्राइम नंबर नहीं होगा, या फिर चार में से तीन का डिजिटल सम प्राइम नंबर होगा लेकिन एक का डिजिटल सम प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर आता है आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, जो कि आपको याद होने ही चाहिए, जैसे कि मैंने हमेशा बता रखा है, 1 से 30 तक के स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए। नहीं याद है तो 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो, ये तो जरूर होने चाहिए। फिर आता है हमारा ऑपरेशंस विद इन द डिजिट, जैसे कि 4520। अब क्या है इसमें लॉजिक, क्या है 4 × 5 = 20, यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक किया गया था इसमें, देखो 4520 में यही तो किया गया है, 4 × 5 = 20, या फिर ऐसा हो जाता है 459, पहले दो डिजिट्स का सम है आपका तीसरा डिजिट, ये वाले लॉजिक्स आपके आते हैं ऑपरेशंस विद इन द डिजिट में। फिर आते हैं आपके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिनको हम सेगमेंट वाइज क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इतने तरीके के क्वेश्चन, ये आपके साथ ये और मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर काउंट कर लो तो 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं नंबर क्लासिफिकेशन में। इसीलिए मैंने कहा कि टॉपिक आपका काफी बड़ा है, स्कोप इसका सिलेबस का, मतलब इसका जो टॉपिक का स्कोप है ये बहुत ज्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस पर से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हम अपने अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, सिंपल सा मैंने मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दिया, चलिए इसमें से आपको ऑड वन बताना है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट है। बताइए ऑड वन आउट, बताइए इसमें से क्विकली। कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा जी 75 कई लोग कह रहे हैं, वेरी गुड, बहुत गलत आंसर। मैंने क्या कहा अभी याद रखिएगा, मैंने क्या कहा था कि ऑड एंड इवन डिजिट वाला जो आप लेते हो, ये वाला ऑप्शन आपको हमेशा लास्ट में उठाना है, जब कुछ नहीं मिला तो आपने इवन ऑड वाला ऑप्शन उठाया। आप अगर ध्यान से देखो तो 30 आपका 15 का मल्टीपल है, 7 आपका 15 का मल्टीपल है, 75 भी आपका 15 का मल्टीपल है, सिर्फ 80 आपका 15 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 15 का मल्टीपल 80 आपका नहीं है, इस वजह से आपका आंसर 80 होगा, यस ऑप्शन नंबर डी। ऑड एंड इवन वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा, जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तब ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट आप देखते हो, कोई भी और लॉजिक जब ना लगे तो। क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा आते हैं, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सीधा साधा सॉल्व करना। तो देखिए आप एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है 2016 में, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करो इस क्वेश्चन का। ऑड टर्म आपको बताना है, हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 10 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगना चाहिए। बताइए यहां पर क्या होगा आंसर इसका, क्विकली बताइए क्या होगा इसका आंसर, 91, 84, 26 या 78। टेबल याद करिए, टेबल याद करिए, चलिए भैया देखो 13 का पहाड़ा याद करो,
91 आता है ना 13 की टेबल में, 26 आता है, 78 आता है, लेकिन 84 तो नहीं आता है, तो आपके बाकी तीनों ऑप्शंस हो गए 13 के मल्टीपल, 84 आपका 13 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 84 हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हो गया सभी को? 84, यस, ऑप्शन नंबर बी 84 इज द करेक्ट आंसर। अभी भी कुछ मूर्ख 91 आंसर दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वो लोग दे रहे हैं ऑड और इवन के बेसिस पे कि मैम ये सारे ऑप्शंस आपके इवन नंबर हैं, सिर्फ ये आपका ऑड नंबर है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। नहीं, आप लॉजिक समझो, मैंने क्या बोला कि ऑड और इवन आप देखते हो सबसे लास्ट में, पहले आप देखो कि क्या ये किसी के मल्टीपल्स हैं, क्या क्या ये किसी के स्क्वायर या क्यूब हैं, क्या इनका डिजिटल सम सेम है, क्या ऑपरेशंस हो रहा है। जब कुछ भी नहीं होगा तब आप आओगे ऑड इवन पे, ठीक है? तो ये आपने देखा, आपका आंसर हो गया 84। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 96, 59, 12 एंड 48। बताओ बताओ फटाफट से आंसर क्विकली। 85 यहां पे क्या आंसर दे रहे हो सब लोग? चलो देखो, अगर ध्यान से 96 हो, चाहे 12 हो, चाहे आपका 48 हो, ये सारे के सारे आते तो आपकी 12 की टेबल में है, आते हैं 12 की टेबल देख लो, या नहीं तो 3 का देख लो। 96 भी आपका 3 का मल्टीपल, 12 भी आपका 3 का मल्टीपल, 48 भी आपका 3 का मल्टीपल, सिर्फ 59 ही तो है जो 3 का मल्टीपल नहीं है। जब 59 नहीं है तो आपका ये हो गया ऑड वन आउट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन? बी है सही आंसर, यस, एकदम सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। 160, 240, 360 एंड 480। बताओ बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब आपको देखने में लगेगा कि अरे ये तो सब एक ही जैसे हैं, सब आपको एक जैसे लगेंगे। यहां पे बताओ, यहां पे क्या है आंसर? 160, 240, 360 और 480। ध्यान अगर दीजिए यहां पे, चलो बताओ, बहुत बढ़िया, आंसर करो फटाफट से सब लोग, जितने भी लोग आ चुके हैं जल्दी से बताइए। चलो आओ हम लोग देखते हैं यहां पे, अगर हम ध्यान दें तो 160 आपका 4 का मल्टीपल है, 240 भी, 360 भी और 480 भी, तो 4 के मल्टीपल वाला लॉजिक तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा है ही नहीं जो ना हो, ऑड वन आउट तो निकल ही नहीं रहा है 4 का ऑप्शन अगर आपने देखा। लेकिन अगर 3 का देखो तो 240 आपका 3 का मल्टीपल, 360 आपका 3 का मल्टीपल, 480 आपका 3 का मल्टीपल, लेकिन 160 आपका 3 का मल्टीपल नहीं है। चाहे 3 का मल्टीपल देख लो, चाहे आप 6 का देख लो, यार ये भी 6 का, ये भी 6 का मल्टीपल, ये भी 6 का मल्टीपल, 6 के पहाड़ा में, लेकिन 160 नहीं आएगा, तो ये आपका तब भी हो जाएगा ऑड वन आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। जो सा ऑप्शन लॉजिक फॉलो ना करे, जो बाकी तीन ऑप्शंस कर रहे हैं, वही हमारा हो जाएगा सही आंसर। 160 इज द करेक्ट आंसर, यस, एकदम सही जवाब आ रहा है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखिए, फाइंड द ऑड टर्म, ऑड टर्म आपको बताना है। चलो यहां पे देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन यहां पे दे रखा है इस क्वेश्चन में, फटाफट से देखिए आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। यहां पे अभी तक आप क्या देख रहे थे कि पेयर वाले क्वेश्चन नहीं मिले आपको, सिंगल सिंगल डिजिट्स के क्वेश्चन थे। अब सिंगल डिजिट्स तो करना फिर भी आसान था, पेयर में बताइए क्या होगा यहां पे आंसर इसका, फटाफट से बताइए क्विकली। ए आ रहा है आंसर लोगों का 360, अभी ये क्या सी आ रहा है आंसर कुछ लोगों का। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला था। 10 सेकंड से ऊपर पहली चीज तो आपको टाइम देना नहीं है क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के हैं, आप देख सकते हो एसएससी 2016 का पूछा गया सवाल है ये। आप देखो 124 और 2048 ये मल्टीपल है ना पहले वाले का, इंटू 2 आप करोगे तो ये आ जाएगा। 512 भी मल्टीपल है 16 का, 128 भी मल्टीपल है 32 का, लेकिन 256
192 का मल्टीपल नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस में सेकंड वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीपल है, सिर्फ थर्ड वाले में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही आंसर, 192 एंड 256। बताइए क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए वाले एकदम गलत बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। 95, 145, 114 एंड 152। बताइए टेबल याद करिए, टेबल कौन सी टेबल की बात हो रही है यहां पे। प्रैक्टिस के लिए मैंने सेगमेंट वाइज करा रही हूं इसलिए ताकि आप तो आपका दिमाग चले इस डायरेक्शन में, अदरवाइज एग्जाम में तो आपके मिक्स क्वेश्चंस ही आते हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर क्विकली। आपने देखा ध्यान से भाई, 19 का पहाड़ा याद करो, 19 की टेबल, 95 आता है उसमें, 114 आता है, 152 आता है, लेकिन 145 नहीं आता है 19 की टेबल में। तो ऑप्शन नंबर बी 145 हो गया आपका सही आंसर। क्लियर है, सभी को 19 का टेबल याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है 2-3 बार अपनी क्लासेस में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है पेयर में, 70, 80, 54, 62, फिर उसके बाद आपका 28, 32 एंड 21 और 24। अब आपको आंसर करना है पेयर में, पेयर में बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे ये एक चीज मैं आपको एक हिंट और दे चुकी हूँ पहले ही कि यहाँ पे भी मल्टीपल्स का लॉजिक ही फॉलो हो रहा है, लेकिन कौन सा मल्टीपल है, कैसा लॉजिक फॉलो हो रहा है ये आपको देखना है और जवाब देना है। चलिए हिंदी में बोलिए, मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूँ, मैं कौन सा फारसी बोल रही हूँ। चलो 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप। आप अगर ध्यान से देखो 70, 80, फिर 54 एंड 62, 28, 32, 21 एंड 24। ध्यान से अगर आप सिर्फ फर्स्ट टर्म देखो, 21 आपका 7 का मल्टीपल है, 28 आपका 7 का मल्टीपल है, 70 आपका 7 का मल्टीपल है, ये तो हमने पहले डिजिट देख लिए, लेकिन 54 आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। सेकेंड डिजिट देखो, ये आपका 8 का मल्टीपल, 32 आपका 8 का मल्टीपल, 24 आपका 8 का मल्टीपल, लेकिन 62 भी आपका 8 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला वाला 7 और दूसरा वाला 8 का मल्टीपल नहीं है, बाकी सब में पहला वाला 7 और दूसरा वाला 8 का मल्टीपल है। बताइए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां पे सभी को। यस, 7 एंड 8 के मल्टीपल्स यहां पे चेक कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ऑड टर्म, फिर से आपका एसएससी सीएचएसएल 2016 का सवाल है, ये सीएचएसएल 2016 का है तो ध्यान से इसको देखिए और सॉल्व करिए। बताइए क्या है इसका आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो आओ देखो यहां पे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, फटाफट से देखो क्या आ रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्विकली आंसर, यस कम ऑन फटाफट से यार, 5 सेकेंड का सवाल है। चलिए 5 सेकेंड मोर फॉर दिस क्वेश्चन, 5, 4, 3, 2, 1, 0 एंड टाइम्स अप। समय समाप्त आपका। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं बी है आंसर, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपने क्या देखा ध्यान से, 41, 12, 51 एंड 11। यहां पे आप देखो कि कोई एक नंबर के मल्टीपल्स नहीं है सारे, 41 तो चलो आप हटा ही दो, ये तो आपका एक प्राइम नंबर हो जाएगा, 12 आपका 4 का या 3 का मल्टीपल, 51 आपका 13 का मल्टीपल है, और आपका 11 आपका किसी का, 11 मतलब किसी का मल्टीपल है ही नहीं यहाँ पे, तो आपका ये चीज हो गई। अब आप सोचो एक चीज, यहाँ पे पहले नंबर के बेसिस पे मल्टीपल तो हम देख नहीं सकते, तो लास्ट नंबर के बेसिस पे भी मल्टीपल देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मल्टीपल हमेशा दोनों में देखा जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लॉजिक पे, ये दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच में आइए देखते हैं क्या है। तो अगर आप देखो 11 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आता है, 9, ठीक। 21 और 42 के, 51 और 42 के बीच का डिफरेंस भी आता है आपका 9। यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो आपका आता है 18, और यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखो तो आपका आएगा 31।
बाकी के तीनों डिजिट्स में जो तीनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, तीन का मल्टीपल है। आप देखो 18 भी तीन का मल्टीपल, 9 भी और 9 भी तीन का मल्टीपल, लेकिन 31 आपका तीन का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 41 और 72 हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 41 और 72 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैम हमारा तो ए ही आया है, फिर बिल्कुल सही आया है। अगर आपका ए ही आया है तो ए आया है तो एकदम सही आया है। ठीक, क्लियर, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1331, 121, 111 और 133। बहुत इजी सा सवाल है, 2017 में पूछा गया था एसएससी में। चलिए बताइए, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। भाई बहुत सिंपल सा था, 1331 आपको पता है क्या होता है, 11 का क्यूब, 121 11 का स्क्वायर, ये तो खुद ही 11 लिखा है, मतलब बाकी के तीन ऑप्शन 11 के मल्टीपल हो गए, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 133 हो गया आपका ऑड वन आउट। बताइए क्लियर है, 133 विल बी द ऑड वन आउट। क्लियर, एकदम बढ़िया से, अच्छे से क्लियर है सभी को। चलिए अच्छे से क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए, फाइंड द ऑड टर्म 165, 792, 852 और 671। क्विकली गाइस आंसर क्या होगा यहां पे, यहां पे देखिए क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी। चलिए 10 सेकंड इस सवाल के लिए, फिर से आपके पास, You have just 10 seconds for this question. बताओ भैया, चलो 10 सेकंड समाप्त। आप क्या हो, देखो यहां पे 165 आपको क्या समझ में आया, 11 × 15 11 का मल्टीपल, 792 आप 11 से मल्टीप्लाई कर, इसको 11 से डिवाइड करके देखो आपका कितना आ जाएगा, 7 × 22 ये आपका 70, ये भी आपका 11 का मल्टीपल, 671 भी आपका 11 का मल्टीपल, लेकिन 852 आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, 852 आपका ऑड वन आउट है, 11 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 852 सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, 852 ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 530, 1284, 1166 और 848। बताओ यहाँ पे क्या है सही आंसर। अब आपको लग रहा है कि सारे तो ऑप्शंस हमारे क्या हैं, सारे ऑप्शंस में आपको मल्टीपल्स दिख रहे हैं, पहले नंबर का दूसरा नंबर, लेकिन मल्टीपल तो है, अब मल्टीपल होने के बाद इसमें क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। बताइए, मल्टीपल तो सारे हैं, डिफरेंस क्या आ रहा है, बताओ बताओ। बी है डिफरेंस, आ भी आ रहा है आंसर। चलो यहां देखा हमने, 5 × 6 करोगे तो 30 आएगा, 11 × 6 करोगे तो 66 आएगा, 8 × 6 करोगे तो 48 आएगा, लेकिन 12 को जब आप इंटू 7 करोगे तब आपका 84 आएगा। बाकी सारे ऑप्शन में क्या है, सेकेंड नंबर को, सेकेंड नंबर कैसे आता है, फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई करने पर, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब। बोले क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सबको एकदम बढ़िया से क्लियर। चलो वेरी गुड, बढ़िया से क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और जवाब दो, फाइंड द ऑड टर्म, इस टर्म का जहां पे आपको आंसर करना है 27, 118, 33, 132, 41, 164 और 73, 292। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए आ रहा है आंसर कुछ लोगों का इसमें, ए। नेक्स्ट 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 तो आ चुके हैं भैया, और कितना नेक्स्ट, पहले इसका जवाब दो तभी तो नेक्स्ट पे जाएं। चलो बताओ क्विकली फटाफट, जितने लोग बैठे हैं यार, अगर मजा आ रहा है क्लास करने में तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को एक बार।
चलो देखते हैं यहाँ पे 27 118, 33 132। आप देखो 33 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 132 आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 164 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर 292 आ गया, लेकिन 27 × 4 करने पर 118 नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। 27 × 4 करोगे 7 × 4 = 28, 4 × 2 = 8, 9 and 10 108 आएगा, 118 नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फोर्थ मल्टीपल नहीं है, इसी वजह से ए ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, ऑड टर्म आपको बताना है, एसएससी 2018 में पूछा गया सवाल था, ध्यान से देखो ऑड टर्म और बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। 5 सेकंड का सवाल है, साफ साफ दिख रहा है कि क्या है आंसर इसका, है ना, साफ साफ दिख रहा है ना आंसर इसका, फटाफट से जवाब दो। 152 एक बार बोलिए ना, 152 क्या बोलना है 152 के लिए, चलो बताओ यहाँ पे क्या है आंसर। आपने देख सकते हो यार 17 का मल्टीपल है 51, 19 का थर्ड मल्टीपल है आपका 57, 23 × जब आप 3 करोगे तो आपका 69 आएगा, लेकिन 13 × 3 करने पर आपका 37 नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ऑड वन आउट हो गया, सी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, और टर्म बताइए इस क्वेश्चन में, 7 14 11 22 5 10 and 3 8, 5 seconds, come on, 5 4 3 2 1 0 and time's up, 7 × 2 14, 11 × 2 22, 5 × 2 10, लेकिन 3 × 2 6 होता है, यहां तो 8 लिखा है, तो ये हो गया आपका ऑड वन आउट। आप देख सकते हो एसएससी का 2018 का पूछा गया सवाल है, कितना इजी क्वेश्चन एसएससी 2018 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, 17 34 37 74 43 86 and 29 59, बताइए यहां क्या है सही आंसर, यहां क्या है सही आंसर, क्विकली, वेरी गुड, चलिए बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं, एकदम जल्दी जल्दी आंसर्स कर रहे हैं, बस इसी स्पीड से अगर हम करेंगे तो हम काफी सारे सेगमेंट निपटा सकते हैं एक दिन में। चलिए बताइए क्या है, 5 seconds, 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप, 17 का डबल 34, 37 का डबल 74, 43 का डबल आपका 86, लेकिन 29 का डबल आपका 59 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया ना ऑड वन आउट, डी बिकम्स ऑड वन आउट, बिल्कुल सही जवाब है। चलो सभी का, जितनों का भी डी आया है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑड टर्म आपको बताना है, ऑड टर्म आपको बताना है, बहुत बढ़िया सवाल है, बताओ बताओ ऑड टर्म, 5 सेकंड का सवाल, फिर से 5 सेकंड का सवाल है, चलो देखो आओ, 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप, समय समाप्त आपका। आओ देखो यहां पे क्या बोला गया है, 11 का मल्टीपल है 22 and 33, ठीक है, दोनों आपके 11 के मल्टीपल हैं, 10 और 15 दोनों आपके 5 के मल्टीपल हैं, 18 और 27 दोनों आपके मल्टीपल हैं 3 के, ठीक, फिर लेकिन 16 और 21 दोनों किसी एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 16 आपका 4 का या 2 का मल्टीपल है, 21 आपका 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे बाकी सारे ऑप्शन में एक नंबर के ही दोनों मल्टीपल्स थे, लेकिन यहां पे एक नंबर के दोनों मल्टीपल्स नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सही जवाब। बोलिए क्लियर है, डी बिकम्स द करेक्ट आंसर, यस डी अगेन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, एसएससी 2019 का सवाल है, 126 189 then 254 and 217, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए, बताओ भैया यहां पे क्या है आंसर इसका, क्विकली, बहुत यहां पे पता है 2019 का पूछा गया सवाल है, लेकिन इतना बेसिक लॉजिक लग रहा है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि भैया ये तो हमसे ना हो पा रहा है,
प्लीज रिप्लाई टू माय मैसेज. आप प्लीज रोहित अपना मैसेज एक बार पूछिए, तो अपना सवाल तो पूछिए. अब आप यस लिख रहे हैं, जी मैम लिख रहे हैं, तो मैं कहां से पूछ लूं, बताओ क्या रिप्लाई कर दूं मैं. आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया था क्वेश्चन में. इट वाज इट सेड कि 126, 189, 254 एंड 217. लॉजिक लगाइए अगर, तो लॉजिक यहाँ पे कोई खास लग नहीं रहा है, क्योंकि सब एक नंबर के मल्टीपल तो है नहीं आपके, नहीं है सारे मल्टीपल. आप चाहे कोई सा भी नंबर उठा के देख लो, नंबर के मल्टीपल आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, अब अगर हम देखें क्वेश्चन में कि एक्चुअल में किया क्या गया था. ठीक है, सेवन का मल्टीपल. हैप्पी बर्थडे कृष्णा कुमार इज सेइंग, मेरा बर्थडे आज नहीं, मेरा बर्थडे कल है. इट्स 10th of June एज आई सेड. 10 June को होता है, 9 June को नहीं होता है बर्थडे मेरा. ठीक है, अगर आप यहाँ पे करना चाहो, हालांकि आप 7 के मल्टीपल्स अगर देखना चाहो तो 7 3s are 21 एंड 7 का मल्टीपल है. ये 7 2s are 14 एंड 7 7s are 49. देन ये आपका 7 8s are 56. ये आपका अगर आप देखोगे 7 का मल्टीपल अगर आप करके देखोगे, 7 3s are 21, यहाँ पे 34 बच रहा है जो कि आपका नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से तो आपका आंसर हो गया. ठीक है, सी आंसर हो गया आपका इस हिसाब से. दूसरा आप एक लॉजिक देख लो, पहले दो नंबर देखो, 12 6 का मल्टीपल है, 18 9 का मल्टीपल है, 21 7 का मल्टीपल है, लेकिन आप इस नंबर में देखो 25 आपका 4 का मल्टीपल नहीं है. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए. ओके, चलो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पर आ चुके. जैसे कि मैंने कहा था कि एक सेगमेंट हमने मल्टीपल्स का कंप्लीट कर लिया था, अब हमारा आता है मोस्ट आस्क्ड सेगमेंट इन द एग्जामिनेशन. सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेगमेंट होता है एग्जामिनेशन में डिजिटल सम. डिजिटल सम जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिजिट्स के बीच का सम. जैसे कि मैंने आपको दिया 4 1 2 3, इसका डिजिटल सम क्या है बताइए, इसका डिजिटल सम क्या आएगा. डिजिट्स का सम 4 + 1 + 2 + 3 कितना आ गया आपका, 3 2 5 1 6 और 4 10. 10 आ गया इसका डिजिटल सम. अब ऐसे ही मान लीजिए मैंने दूसरा नंबर दे रखा होता 2 3 3 2, अब बताइए इसका डिजिटल सम भी आपका 2 3 5 और 2 और 3 5 5 और 5 मिलके आपका 10 आ गया. अब मान लीजिए एक नंबर हमको दे रखा होता 1 2 3 एंड 5, इसका भी आपका डिजिटल सम आपका बताओ. अब इसका डिजिटल सम क्या 5 आ रहा है, इसका डिजिटल सम क्या 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना. इसका डिजिटल सम आपका 11 आ रहा है. और एक और आपको नंबर दिया होता 1 2 3 एंड 4, इसका डिजिटल सम आपका 10 आ गया. अब आप देखो यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शंस का डिजिटल सम आपका 10 आया, सिर्फ एक ऑप्शन का आपका डिजिटल सम इज नॉट इक्वल टू 10 क्योंकि वो 11 आ रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑड वन आउट. बताइए क्लियर है, ये ऑप्शन आपका ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर सी. ये ए बी सी डी अगर मैंने 4 ऑप्शंस दिए आपको, तो ये वाला हो गया आपका ऑड वन आउट क्योंकि इसका डिजिटल सम आपका 11 आ रहा है. तो ऐसे ही करके हमारे क्वेश्चंस में आता है जब कभी भी. एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तो मैंने, चलो मैंने तो बता दिया कि आगे आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं सब में आपको डिजिटल सम वाला लॉजिक निकालना है, लेकिन जब आप एग्जाम में इसे करोगे तो कैसे करोगे, जब कभी भी नंबर आपका नंबर, इफ यू हैव अ लार्ज नंबर, बड़ा नंबर है, तो हमेशा डिजिटल सम लगेगा. बाकी कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है ये हम देखते रहेंगे अपने क्वेश्चन में. तो आइए आप देखो, सबसे पहले आपको बड़े नंबर्स मिले ना, क्या बोला मैंने, बड़े नंबर्स होंगे. कितने बड़े नंबर है, 5 5 डिजिट के नंबर है, 4 और 5 डिजिट के नंबर. आपको लगता है कि इसमें आपको मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, नहीं, मल्टीपल नहीं ढूंढना है. स्क्वायर्स क्यूब्स आप ढूंढ नहीं सकते हो इसमें, तो इसमें लॉजिक आपका सिर्फ डिजिटल सम का ही लगता है. तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और आंसर करिए. थैंक यू सो मच फॉर विशिंग, थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. बाकी एडवांस में विश मत करिए, कल आराम से विश करिएगा. क्लास तो होगी ही कल, बिकॉज माय बर्थडे इज एक्चुअली इनकम्प्लीट विदाउट लर्नर्स, तो फिर कल क्लास तो होगी ही 10:30 बजे, आराम से विश करिएगा तब. चलिए बताइए क्या है इसका आंसर क्विकली. सी, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी. लेट्स सी क्या है इसका आंसर, फटाफट से देखिए. डिजिटल सम की बात हुई थी तो आइए देखते हैं यहां पे क्या आंसर आ रहा है. लेट्स सी, देखो यहां पे आओ, देख लो 8 और 2 10,
10 और ये आपका 4 14 और 7 17, 17 और 6 मिलके हो, 17 और 9 मिलके आपका हो गया 26। इसका डिजिटल सम 26 आ गया। यहाँ देखो 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 13 मिलके ये भी आपका 26 आ गया। यहाँ देखो 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 6 मिलके आपका कितना आया 25। यहाँ देख लो आगे चल के आप 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 18 और 8 मिलके आपका 26 आ गया। तीन ऑप्शंस का सम आपका 26 है, सिर्फ एक ऑप्शन का सम आपका 26 नहीं है, तो वही ऑप्शन हो गया ना ऑड वन आउट, वही ऑप्शन ऑड वन आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस, सी फॉर चंचल इज द करेक्ट आंसर। यस, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। 844, 972, 716 एंड 345, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और इसको भी आंसर करिए। बताओ यहां पे क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन आपको मेरे हिसाब से साफ साफ आंसर दिखना चाहिए। यहां पे 5 सेकंड का सवाल बचा है। चलो बताओ, 5 4 3 2 1 और समय समाप्त। आप देखो यहां पे क्या है, आखिरी के दो डिजिट देखो, 4 और 4, इनका सम करो तो 8 आएगा। 7 और 2, इनका सम करो तो 9 आएगा। 1 और 6, इनका सम करो तो 7 आएगा, लेकिन 5 और 4 का सम करने पर 9 आएगा, और यहां तो 3 लिखा है, तो ये आपका हो गया ना ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में आखिरी के दो डिजिट्स का सम है फर्स्ट डिजिट, ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया ऑड वन आउट। क्लियर है सभी को? बढ़िया से डी क्लियर है? यस, चलो डी हो गया हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखें क्या बोलता है। 2017 का सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है यहां पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, उस तरीके का क्वेश्चन हमें साफ साफ दिख जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है देखिए क्विकली, डी यहां पे भी आंसर आ रहा है क्या? सब लोग डी डी कर रहे हो, डी नहीं है आंसर यहां पे। देखो देखो, चलिए ऑड इवन जो लोग कह रहे हैं डी इज द ओनली ऑड नंबर, तो डी ऑड इवन नहीं देखते हैं आप, ऑड इवन लास्ट में देखते हैं, ऑड इवन कभी हम स्टार्टिंग में नहीं देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आप क्वेश्चन में, 7 4 और 6, 6 और 4 10 और 7 मिलके आ गया आपका 17, डिजिटल सम 17 हो गया। यहाँ देखो 6 और 2 7, 7 और 9 कितना आया मिलके, 6 और 2 8, 8 और 9 मिलके आपका फिर से 17 आ गया यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे देखो 8 और 1 9, और 9 और 5 मिलके यहाँ आपका 14 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 और 7 14 और 3 17, बाकी के तीन ऑप्शन में आपका आंसर 17 आ रहा है डिजिटल सम। सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका डिजिटल सम 14 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ऑड वन आउट। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। मैम आज फर्स्ट क्लास है? यस राहुल, आज फर्स्ट क्लास है नंबर क्लासिफिकेशन की। कल हमारी दोबारा से क्लास होगी 10:30 बजे, 10:30 AM पर क्लास है। ये मत सोचिएगा कि बर्थडे है तो मैम नहीं आएंगी, 10:30 बजे क्लास है, एकदम टाइम से आना है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, ऑड टर्म बताइए। यहां पे क्या है आपका ऑड टर्म, बताओ यहां क्या लिखा है ऑड टर्म के नाम पे, बताओ जल्दी जल्दी। डिजिटल सम देखिए और बताइए क्या है आंसर। बढ़िया, सभी लोग आंसर करें अच्छे से। चलो 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0 एंड टाइम्स अप। आप देखो अगर 422 और 8, 4 और 2 6 और 2 8, इसका जो डिजिटल सम है वो लिखा तो है ना। यहां देखो 8 और 2 10, और यहां आपका 13, ठीक, 8 और 2 10 और 3 मिलके आपका 13 आया। बताओ यहां पे तो आया नहीं डिजिटल सम। आगे बढ़ के देखते हैं क्या यही लॉजिक फॉलो हो रहा था। एक में आपका एक लॉजिक मिला, दूसरे में आपका दूसरा लॉजिक मिला, आपको चेक करना है कि आगे भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम और आगे गए, हमने देखा कि यहाँ पे 7 और 1 8, 8 और 8 मिलके 16, यहाँ पे भी डिजिटल सम आ रहा है, और यहाँ पे भी 8 और 1 9, और 9 और 3 मिलके 12, यहाँ पे भी डिजिटल सम आ रहा है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में पहले वाले नंबर का सम नहीं था दूसरा वाला नंबर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर बी ऑड टर्म हो गया, विषम संख्या हो गई आपके इस क्वेश्चन की। क्लियर है?
विषम संख्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, और टर्म बताना है आपको यहां पे। बताइए यहां पे क्या आ रहा है क्वेश्चन में, बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है यहां पे भी आंसर, बताइए। वेरी गुड। जब आपको पता है कि डिजिटल सम ही देखना है तो काहे इतनी देरी कर रहे हो भैया, काहे इतनी देरी कर रहे हो, बताओ। बी फॉर भांग, शिवरात्रि नहीं है या ना तो होली है जो भांग बता रहे हो। बी फॉर मतलब बॉक्सिंग भी होता है, बी फॉर बुक्स भी होता है, वो भी कभी बता दो, लेकिन नहीं, बी फॉर भांग। सब के सब डी आंसर आ रहा है, चलो बढ़िया। देखते हैं यहाँ पे क्या बोला था, 4, 5, 1, 8। देखो 4 और 5 मिलके सम कितना 9, 1 और 8 का सम भी तो 9 है, यहाँ 6 और 3 का सम 9 और यहाँ पे 2 और 7 का सम भी 9 है, यहाँ देखा 2 और 3 का सम 5, 1 और 4 का सम भी आपका 5 है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का डिजिटल सम बराबर आ रहा है, यहाँ देखो 8 और 2 10, लेकिन 9 और 2 11। यहाँ पे पहला वाला और दूसरे वाले का डिजिटल सम अलग अलग है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑड वन आउट हो गया, ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर डी हो गया है। भैया सी का है होगा, सी तो बेचारा आ रहा है ना, दोनों का सम तो 5 आ रहा है, यहाँ तो सम आपका 10 और 11 है, यहाँ आपका सम सेम नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो और जवाब दो। इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका यही टाइप है। चलो बताओ क्विकली, बहुत बढ़िया सवाल है। आइए देखते हैं, 2, 3, 5 देन 4, 7, 3। सबका डिजिटल सम आप करके देखोगे तो बराबर नहीं आएगा, किसी का भी बराबर नहीं आएगा, तो आपको डिजिटल सम पूरे डिजिट्स का करना ही नहीं था। ध्यान दीजिए जरा, 2 और 3 मिलके 5 आया ना, 4 और 3 मिलके 7 आ गया, 1 और 3 मिलके 4 आ गया, लेकिन 6 और 3 मिलके 9 आना था, लेकिन बीच में तो 3 लिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का जो सम था वो सेकेंड डिजिट के बराबर था, लेकिन हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे तो वो चीज मिली ही नहीं, 6 एंड 3 मिलके 9 आना चाहिए, बीच में 3 लिखा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके क्वेश्चन का ऑड वन आउट, आपके क्वेश्चन का सही जवाब, एंड विषम टर्म विषम संख्या हो गई आपके क्वेश्चन की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। फाइंड द ऑड टर्म, ऑड टर्म आपको इसमें से बताना है, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 4, 3 एंड 4, 3, 2। बताइए क्या होगा इसमें से आपका ऑड टर्म। बताइए यहां पे क्या है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ए बी सी या डी। यहां पे हालांकि एक मतलब दो लॉजिक लग रहे हैं, ठीक है, पहला लॉजिक तो आपका डिजिटल सम का है, दूसरा लॉजिक आपका बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा लॉजिक है, वो मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन पहले आप डिजिटल सम वाले के हिसाब से आंसर दो। डी आ रहा है आंसर कुछ लोग का, ओके लेट्स सी। 4 और 3 7 और 2 9, डिजिटल सम 9 आ गया, यहां देखो जरा साहब, 4 और 3 7 और 2 9, ठीक, यहां पे भी आपका 9 आ गया, यहां पे भी 4, 3, 7 और 2, 9, यहां पे भी आपका 9 आ गया, लेकिन यहां अगर देखो 5 और 4 पहले ही 9 हो चुके हैं, 9 और 3 आपका 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका सम 9 नहीं आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड वन आउट हो जाएगा कि नहीं, बताइए। बी हो गया ऑड वन आउट। अब ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए जरा क्या बोला गया था, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 4 है, 2, 3, 4, यहां पे भी 2, 3, 4, यहां पे भी 2, 3, 4, मतलब वैसे भी आपका इन तीनों ऑप्शंस का जो डिजिटल सम था वो सेम ही आना था, आपको करने की भी जरूरत नहीं थी, यहां पे 3, 4 और 2 ना होके यहां तो 5 लिख दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड वन आउट हो गया, 3, 45, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? बताओ फटाफट से, क्लियर है सभी को? जितनों को भी क्लियर होगा, समझ में आ गया, जल्दी से एक बार लाइक कर दें वीडियो को, इफ यू गाइज आर रियली एंजॉइंग द सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑड टर्म आपको इसमें से बताना है, बताओ इसमें का ऑड टर्म क्या है, क्विकली फटाफट से बताइए ऑड टर्म इसका क्या है।
बताओ बताओ। चलिए आइए देखते हैं यहां पे क्या बोला गया था। 8 और 1 9 और 3 मिलके 12 आएगा। इन तीनों का सम 12 आया, 12 लिखा है यहां पे। यहां आप देखो 4 और 3 7 और 7 और 8 मिलके 15 आया। देखिए 15 यहां लिखा है, यहां पे आपका सब मिला के 16 आएगा। देखिए 16 यहां लिखा है लेकिन यहां मिला के 12 आना चाहिए और यहां लिखा क्या है 11। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका ऑड वन आउट हो गया। बी हो गया ऑड वन आउट। क्लियर है सभी को, बी इज द ऑड वन आउट। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। फाइंड द ऑड टर्म आउट। यहां पे ऑड टर्म बताइए क्या होगा, बताओ क्विकली। 5 सेकंड का सवाल है, साफ साफ दिख रहा है, एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है, साफ साफ आंसर दिख रहा है इसका। ए बी सी या डी बताइए। चलो जल्दी से बता दो आंसर इसका। आपने देखा यहाँ पे 6 और 5 मिलके 11, यहाँ 2 और 1 मिलके 3, यहाँ 4 और 3 मिलके 7, लेकिन यहाँ पे 7 और 8 मिलके 13 नहीं होता है, 7 और 8 मिलके 15 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऑड वन आउट हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑड वन आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, ऑड टर्म बताइए, एसएससी 2019 का सवाल। यहाँ पे बताइए ऑड टर्म क्या होगा। बताओ क्या होगा यहां पे आंसर, बताओ जल्दी जल्दी क्विकली, कम ऑन। 5 सेकेंड्स अगेन फॉर दिस क्वेश्चन। 5 4 3 2 1 जीरो एंड टाइम्स अप। मैम हम न्यू स्टूडेंट को कमेंट्स नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट अगर करोगे, अगर यूजफुल कमेंट है देन आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अगर फालतू के कमेंट्स हैं जैसे कि आते रहते हैं अक्सर ही क्लास में, देन आई प्रेफर नॉट रिप्लाइंग टू दोज कमेंट्स। चलिए ए आ रहा है आंसर कई लोगों का, लेट्स सी। सबका सम डिजिटल सम करने का जरूरत ही नहीं था आपको। आपने देखा 2 और 3 का सम 5, 1 और 2 का सम 3, 4 और 3 का सम 7, लेकिन यहाँ पे 5 और 3 का सम 8 होता है और यहाँ तो 9 लिखा है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया ऑड टर्म। ऑप्शन नंबर ए इज द ऑड टर्म ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को, अच्छे से क्लियर है। चलिए अच्छे से क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए, ऑड टर्म आपको बताना है इसमें से भी। 2019 का सवाल है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। 2019 में जो आपके क्वेश्चंस आए हैं, वी कैन सी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके डिजिटल सम के हैं। ठीक, चलो बताओ यहां पे क्या होगा इसका सही आंसर। फाइव फोर थ्री टू वन जीरो एंड टाइम्स अप। 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 5, लेकिन यहां पे 4 और 2 मिलके 6 आता है और यहां तो 5 लिखा है। तो ये हो गया आपका ऑड टर्म ना, ऑड टर्म हो गया ऑप्शन नंबर सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सी बिकम्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए और इस क्वेश्चन का जवाब। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट हो गया है ऑड इवन वाला। तो नेक्स्ट सेगमेंट है तो हम कल से देखेंगे इसको। कल एग्जैक्टली 10:30 बजे क्लास होगी। जितने भी लोग लेट आए हैं और आज उन्होंने मिस कर दिया है शुरू का सेशन, तो 10:30 बजे कल दोबारा से क्लास होगी। स्टार्टिंग से अटेंड करनी है आपको, बिकॉज स्टार्टिंग में जो थ्योरी होती है वो अगर मिस कर दोगे तो पूरे क्वेश्चन जब भी हम करेंगे यही कहते रह जाओगे आपकी मैम समझ में नहीं आ रहा, मैम समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा कल दोबारा से क्लास। रेस्ट जो जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता है कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैं बता दूं कि पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है माय स्टडी लैब।
ठीक है, ये है आपके टेलीग्राम चैनल का नाम, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम माई स्टडी लैब, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। एंड अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन आती रहे। अब इसके बाद आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, कॉन्स की बहुत गजब की क्लास होगी, तो उसको जरूर अटेंड करिएगा, मैथ्स की क्लास को। बहुत बढ़िया क्लास आपकी आज होने वाली है मैथ्स में, कॉन्स की उत्कर्ष सर की। देन डू अटेंड द क्लास, एंड कल दोबारा से मिलते हैं 10:30 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।